दोस्तों, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, जहां पर आप हर साल घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। यहां पर कुछ लोग जाने जाते हैं अपने रहन सहन और परंपराओं के लिए भी, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कि अपनी संस्कृतियों को लेकर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, उस देश में सफर करना और वहां के संस्कृति को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो देश है जहां के लोगों के रहन सहन का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। और दोस्तों, इस देश की गहरी संस्कृति ही इस देश की पहचान है। इस देश में जाने के बाद लोगों को अपने बीते समय का एहसास होने लगता है। शायद आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ का कैलेंडर करीबन 7 साल और 3 महीने पीछे चलता है। दुनिया भर में पी जाने वाली कॉफी की खोज भी सबसे पहले इसी देश में हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव कंकाल भी इसी देश में ही मिला था। इस देश में एक ऐसी जनजाति है जो कि अपनी होठों में बड़ी से बड़ी प्लेट पहनती है, और इन जनजातियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश इथियोपिया की। इथियोपिया दुनिया के बाकी देशों की तरह खुद में ही एक अलग महत्व रखता है। और दोस्तों, आज हम आपको इसी इथियोपिया के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, जिन्हें जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। कृपया करके वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका का देश है। ये इथियोपिया दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। इथियोपिया देश की कुल जनसंख्या करीबन 11 करोड़ के आसपास है, लेकिन दोस्तों, इस देश की एवरेज उम्र काफी कम मानी जाती है। यहाँ के पुरुष 48 साल और यहाँ की महिलाएं करीबन 58 साल तक ही जी पाती हैं। यहाँ की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय जैसी चीजें अफ्रीका के इस देश को बाकी देशों से अलग बनाते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर विभिन्नता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इनके देश में लोग करीबन 90 तरह के भाषाओं को बोलते हैं। इस देश में से एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर लोग अभी भी गरीबी की मार झेल रहे हैं और एक आदिवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। इथियोपिया में ये दो जनजातियाँ हैं जो कि सूरी और मुर्सी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से आज हम सूरी ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। देखने में ये लोग आपको भले ही बहुत ही ज्यादा भयानक लगे, लेकिन ये इनका सदियों से चलता आ रहा कल्चर है। वैसे आपको बता दें कि मुर्सी और सूरी दोनों के ही लोग अपने होठों में प्लेट पहनते हैं। कहा जाता है कि मुर्सी के लोग ऐसा गुलामी से बचने के लिए किया था, और उसी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए आज भी यहाँ की औरतें अपने होठों में बड़े से बड़े प्लेट को डालकर रहते हैं। हालांकि दोस्तों, धीरे धीरे अभी ये परंपराएं बदल रही हैं, और ये लोग उसे एक सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। यानी कि जितनी लंबी और बड़ी प्लेट, औरतें उतने ही इज्जतदार और सुंदर मानी जाती है। इतना ही नहीं, महिला के होठों में लगाया गया प्लेट जितना बड़ा होगा, उसके पिता को दहेज में उतनी ही ज्यादा गाय मिलेंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटी प्लेट वाली लड़की के पिता को 40 गाय और बड़ी प्लेट वाली लड़की के पिता को दहेज में 60 गाय दी जाती है। सूरी जनजाति के लोगों का रहन सहन काफी ज्यादा अलग है। आदिवासी होने के नाते इनके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने के तरीकों में काफी ज्यादा अंतर रहता है। इतना ही नहीं, सूरी जनजाति के लड़कों को शादी करने के लिए एक तरह का खूनी खेल खेलना होता है। इस खूनी परंपरा का नाम डोंगा है, जहां पर लड़कों को अपनी दुल्हन को पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। इस परंपरा के तहत दो लड़के आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें कि कभी कभी जान भी चली जाती है। अब दोस्तों, हम आपको इथियोपिया के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं, उसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे, और ये आपके लिए यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इथियोपिया में एक साल में करीबन 12 महीने नहीं 13 महीने होते हैं। यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में साल 2023 या 24 चल रहा है, वहीं इथियोपिया में 2015 या 16 चल रहा है। पूरी दुनिया में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि साल में 13 महीने सूरज उगता है। ये इथियोपिया देश पूरी दुनिया के साथ समय मिला के नहीं चलता, बल्कि इन्होंने अपना ही अलग कैलेंडर बना रखा है। यहाँ के लोग आखिरी महीने को पैग्यूम कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ करीबन 5 या 6 दिन होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल का स्वागत करती है, लेकिन दोस्तों, इथियोपिया का नया साल 11 सितंबर से चालू होता है। बल्कि यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी नई चीज 11 सितंबर से ही स्टार्ट होती है। मतलब ये है कि यहाँ के साल की शुरुआत 11 सितंबर से ही स्टार्ट होती है। अगर दोस्तों आप इथियोपिया की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो बेझिझक आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। बस आपको यहाँ के समय को समझना पड़ेगा। इथियोपिया के इस देश में कॉफी
बहुत ही ज्यादा फेमस है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कॉफी की शुरुआत इथियोपिया से ही स्टार्ट हुई थी। यहाँ के बड़े बूढ़े या सभी इंसान कॉफी पीने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। दिन में कम से कम एक टाइम कॉफी तो पीते ही हैं। ये इस वजह से मुमकिन हो पाता है क्योंकि यहाँ पर कॉफी की खेती नहीं करनी पड़ती, बल्कि जंगलों में यहाँ पर कॉफी अपने आप ही उग जाती है। इथियोपिया की ओमो वैली यहाँ के जनजातियों का घर है। यहाँ पर आप इनके पारंपरिक बस्तियों में जाकर उनके रीति रिवाजों को जान सकते हैं। ओमो वैली अफ्रीका के काफी प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि ओमो वैली को इथियोपिया के असली संस्कृति का धरोहर माना जाता है। अगर दोस्तों बात करें इथियोपिया के मौसम की, यहाँ पर साल के 365 दिन मौसम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर इन देश के ज्यादातर हिस्से ठंडे ही रहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। इथियोपिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। इस जगह को समारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत से अफ्रीका जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट इथियोपिया होकर ही जाती है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी और रडार सबसे बेहतर मानी जाती है। दोस्तों इथियोपिया के ट्राइब्स के बारे में अभी भी बहुत ही जानकारियाँ हैं। अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।